बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 10th चैप्टर 3rd लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आइए करना शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 56 से हम 60 तक करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं तो मैं इसमें से ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या बना, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर ये साइड इक्वल होगी यहाँ पर तो एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल 13, ये आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और साथ ही सेकेंड इक्वेशन को भी हम इधर लिख लेते हैं, तो थ्री एक्स प्लस वाई यहाँ पर आगे 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वेरिएबल क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, एक बार ऐड कर दें 4x 4y और यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, तो यानी x प्लस वाई इक्वल 5 आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यार अब एक बार माइनस कर दे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाए, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब 3x में से 1x माइनस करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2x लिख देता हूँ। यहाँ पर प्लस 2y आएगा क्योंकि बड़े नंबर के सामने प्लस का है, तो प्लस 2y आ गया। और यहाँ पर आ गया बच्चों क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, 2 से फिर डिवाइड कर, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, तो यानी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 3, ये आ गया। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं नीचे, x प्लस वाई इक्वल 5, इस तरीके से। अब यहाँ तो कैंसिल हो गई, तो 1y और 1y 2y इक्वल 8 और y की वैल्यू 8, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो x प्लस वाई, वाई की जगह आपको रखना 4 और इक्वल 5। ठीक है, तो x इक्वल 5, 4 इधर आकर माइनस का, ये तो x की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो वैल्यू निकाल लिया, आपसे पूछा जाए कि लेंथ, इसके साइड की लेंथ बताओ आप, तो साइड की लेंथ अगर पूछा जाए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो लेंथ क्या है, x प्लस 3y है, तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो इस तरीके से, तो 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 13 आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी 13, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब, ये आंसर हमारा ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57, देखो 57 आपके सामने है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया फाइंड आउट करना है आपको, सिंपल सी बात ही है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, देखो ये डिस्टेंस की 1, ये 2 और ये 3, एरिया क्या होता है 1/2, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एरिया क्या होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है, यही तो होता है, तो 1/2 बेस, बेस क्या आ गया देखो 1 2 3, 3 आ गया। हाइट क्या हो गई, हाइट ये हो गई, यहाँ पर ये हाइट है, हाइट किसके सामने 4 के, तो 4, तो 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 यूनिट लिख दे देंगे इसको, यूनिट स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, या आगे स्क्वायर लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या 6 स्क्वायर यूनिट इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो इसका एरिया निकल गया। अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 58, तो 58 में भी एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, दो मिनट रुकिए ज़रा। देखो मेरे पास यहाँ पर ये एक पुराना मेंटल मैथ है और यहाँ पर जब मैं इसको निकालता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं निकालता हूँ, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो अब आपके सामने, आपको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देखो 1 2 3, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 4 है बच्चों, 4 की सीध में है यहाँ पर, और इस यहाँ पर जो नया मैथ है ये आया मेंटल मैथ, इसमें 5 की वो दिया हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है,
ठीक है, तो इसको आप जरा देख लेना, ये मिस प्रिंट है, तो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले, फोर लिखने वाले हैं। यहाँ पर जो ये हाइट होगी ना, फोर होगी बच्चों, ठीक है। एरिया क्या होता है, वन बाई टू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है बच्चों, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर आ गया। और हाइट, हाइट क्या है, हाइट यहाँ पर फाइव नहीं मानी जाएगी, फोर मानी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको अभी इस मेंटल मैथ में दिखाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये हाइट जो ये एक्यूरेट हाइट है, और न्यू मेंटल मैथ में मिसप्रिंट हो गया है, तो ये हाइट इसको आप फोर समझ लीजिए, तो फोर आ गया। तो टू से फिर टू, टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो एट स्क्वेयर यूनिट ये आपका एरिया आ गया बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर ये देखिए, अब 59 में हमें यहाँ पर इसी पर मैं बता देता हूँ, तो पूछा फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया, एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाय गिवन द लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो बना है ये वाला, और एक्स एक्सिस पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, वन बाई टू, आइए नीचे एक्स एक्सिस वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वन, ये यहाँ पर ये आएगा टू, क्योंकि टू टू का डिफरेंस है, तो वन टू थ्री यानी फोर हो गया, फोर और ये वन फाइव, फाइव हो गया, यानी बेस तो हो गया फाइव, ठीक है। और हाइट, हाइट क्या है बच्चों, यहाँ पर ये हाइट है थ्री पर, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा। एक तो ये आ गया एरिया, और सेकंड एरिया जो वाई एक्सिस पर बना है उसकी हाइट क्या है, देखो यहाँ तक ये जो है ना, सॉरी बेस यहाँ पर ये सिक्स है, सिक्स में से हम यहाँ पर ये माइनस वन कर देते तो फाइव बच गया, ठीक है। यानी ये वन मान लो, ये टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से भी मान सकते, तो वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर फाइव आ गया। और हाइट क्या है, हाइट ये रही यहाँ पर, यहाँ पर ये यानी टू पर आ रही है ये हाइट, तो ये आ गया टू। तो रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड का साइन, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट टू नंबर जो है इक्वल है, इनको काट देते हैं तो थ्री रेशो टू आ जाएगा, थ्री बाई टू आया ना, तो आगे वाले यानी ऊपर वाले नंबर को आगे लिखते हैं, और डिवाइड की जगह रेशो का साइन लगा दीजिए, और जो डिनोमेटर है उसको पीछे लिख दीजिए, थ्री रेशो टू आ गया। तो इस तरीके से बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसी क्वेश्चन को छोड़ दो, आप इसको देखो ध्यान से। अब यहाँ पर ये एक्स एक्स को एक्स एक्सिस को माइनस सिक्स पर काट रही है, तो इसका मतलब y क्या होगा, जीरो होगा। एक तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर, एक तो ये हो गया, एक इधर ये यहाँ पर, ठीक है। ये y को किस पर काट रही है, टू पर काट रही है, तो इसका मतलब x क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन x वाले को शुरू में लिखना है, ठीक है, और ये टू, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो बहुत ही ईजी चैप्टर था, ना समझ में आए दोबारा देखिए, फिर भी समझ में ना आए मुझे कमेंट्स कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।